अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। और भाई अभी चैप्टर नंबर 8 शूट किए, मतलब वैसे ही अल्लाह हाफिज़ का मतलब ये नहीं समझना आपकी मैंने 2 दिन बाद वीडियो बनाई है, साथ ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ 14 अगस्त को। हाँ भाई, चैप्टर नंबर 9 और सेकेंड ईयर का आखिरी चैप्टर है, सॉल्व करते हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है, अच्छा बीच में मैं बिस्किट और लेस खाऊँगा तो अगर आपको थोड़ी वियर्ड सी आवाज़ें आएँ तो बर्दाश्त कर लेना उनको। 1 पे लिखा हुआ है, एनी वेक्टर हुज डायरेक्शन इज टेकन एज आर्बिट्रेली पता नहीं क्या है एंड मैग्नीट्यूड इज 0। देखो ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन, इस वर्ड का मतलब ये कि कहीं भी ली जाए और मैग्नीट्यूड उसका 0 हो। तो देखो अगर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, देखो अगर आप वेक्टर बना रहे हो ना ये, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये पूरी लेंथ। अगर मैग्नीट्यूड 0 हो जाए मतलब वेक्टर की लेंथ ही 0 हो गई, तो वेक्टर क्या होगा फिर? नल वेक्टर होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 पे देखो लिखा हुआ था, एंगल बिटवीन वेक्टर आई एंड वेक्टर जे, आई कैप और जे कैप इनके दरमियान एंगल क्या है। देखो आई यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर है आई, अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर है जे। तो आई और जे के दरमियान एंगल क्या होगा भाई? जो x और y एक्सिस के दरमियान एंगल है वही i और j के दरमियान एंगल होगा। और x और y एक्सिस के दरमियान एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो इनके दरमियान भी एंगल होगा 90 डिग्री। द यूनिट वेक्टर i कैन बी एक्सप्रेस एज, देखो जो i जो है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 0 0, आप राउंड ब्रैकेट भी लगा सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो। जो j है उसको हम इस तरह लिखते हैं और जो k है उसको हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखो तो आई की ये वाली सारी होती है, आई जे के, मैंने तीनों की बता दी आप लोगों को। तो यहाँ पे उन्होंने आई की पूछी है तो आई की होती है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि भाई जो आई है वो सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, तो अगर कोई वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा तो उसका वाई जेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा और एक्स कंपोनेंट 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसी तरह जे वेक्टर है उसका एक्स और जेड कंपोनेंट 0 होगा और जो वाई कंपोनेंट है वो 1 होगा उसका मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो इसी तरह के लिए भी। बहरहाल 4 में लिखा हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और आपको ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है। बड़ा ईजी तरीका डॉट प्रोडक्ट निकालने का, सबसे पहले हम वेक्टर लिख लेते हैं। ए वेक्टर है 2i-3j+5k और बी वेक्टर है 6i-5j+k और हमें निकालना है ए डॉट बी। सिंपल तरीका ये कि 2 को आई को आई से मल्टीप्लाई करो, मतलब देखो एक तो आप लोगों को रूल याद रखना है, ये रूल क्या होता है, रूल नहीं सिंपल प्रूफ है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के ये हमेशा 1 होते हैं। सेम यूनिट वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, सेम यूनिट वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो होता है 0। दो चीज़ें तो आप डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से आप याद कर लो, पर डॉट प्रोडक्ट नहीं, मैं अभी सेम की बात कर रहा हूँ। अगर सेम आई कंपोनेंट है उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, या सेम जे है या सेम के है डॉट प्रोडक्ट 1 होगा। और अगर सेम यूनिट वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप उनका निकालो तो वो 0 के बराबर होता है। जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, आई क्रॉस आई 0। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, इसलिए उनको तो कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये जो नंबर है ना, स्केलर्स जो है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 को 6 से करो 12, -3 को -5 से करो +15, 5 और या 1 है ना, 5 को 1 से करो 5, तो ये आपके पास 33 हो जाएगा। हाँ तो ऑप्शन नहीं 33 नहीं 32 हाँ सही है सॉरी 32 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 5 में आपको v वेक्टर गिवन है, u वेक्टर गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर 2u+3v। यार बहुत ही ईजी है, v गिवन है आपको 2i+3j, u गिवन है i-5j, आपको निकालना है 2u+3v। तो निकाल लो 2 u वेक्टर को u वेक्टर ये है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस 3 v क्या है 2i+3j। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 10j, ये हो जाएगा 6i और ये हो जाएगा 9j। 2 + 6 8i, -10 +
9, ये हो जाएगा माइनस जे। 8i माइनस जे, ओ यहाँ तो आंसर नहीं आ रहा, नहीं आया वह 8i माइनस जे, ये टिक मैंने गलत लगाया है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद 6 में आपको p गिवन है, आपको q गिवन है और आपको p q निकालना है। देखो जब आपको पॉइंट्स गिवन हो और आपको वेक्टर निकालना हो पी क्यू, तो तरीका क्या होता है, q माइनस p, जो फाइनल होता है पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है। तो टर्मिनल पॉइंट क्या है, माइनस 1, 2, 4 और इनिशियल पॉइंट है 2, 1, -3, ठीक है। जो इनके सेम है ना उनसे आपने, अच्छा मैं इनको थोड़ा नीट करके लिख लेता हूँ, आपको शायद मसला हो। देखो कॉमे के इस तरफ, अगर मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो जो कॉमे के इस तरफ है उनको आपस में आपने सबट्रैक्ट करना है। माइनस वन को आप टू से सबट्रैक्ट करो, तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, टू, माइनस वन, वन, फोर, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 4 + 3 = 7, तो वेक्टर पी क्यू क्या आ जाएगा, -3, 1, 7। अच्छा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो और इसको आप कंपोनेंट मतलब जो यूनिट वेक्टर है उनकी फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, -3i + j + 7k, दोनों तरीके। तो इन्होंने इस तरह का लिखा हुआ है, -3i + j + 7k, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है। 7 में लिखा हुआ है वी वेक्टर को आपने दो वेक्टर की कम्बिनेशन में लिखना है, लीनियर कम्बिनेशन में। देखो मैं पहले लिख देता हूँ सारे, v है 3 - 7, u है -6, 8 और ओमेगा सॉरी w है 9 - 13। आपने v को लिखना है किसी लीनियर कम्बिनेशन में, लेट से a u प्लस b w, मतलब u के साथ, मतलब वेक्टर v को आपने एक्सप्रेस करना है कि u से कोई चीज़ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, W से कोई भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और इनके एडिशन आपस में हो रही है। जैसे ऑप्शन नंबर बी देखो आप, V एक्सप्रेस हुआ है 3W + 4U या W + U या 3U + 3W, इसको हम कहते हैं लीनियर कम्बिनेशन में। अच्छा इसको लिखने का एक तरीका तो ये है, अच्छा आप इस तरह लिखो, अब आप क्या करो, यहाँ पे आप V की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे U की पुट करो, यहाँ की ओमेगा की पुट करो, सॉरी W की, और फिर आप सॉल्व करो A और B की वैल्यू निकालो कोफिशिएंट कंपेयर करके, या यहाँ कोफिशिएंट नहीं, आप जो आई कंपोनेंट का, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि अगर आप अपनी 9.3 देखो ना, हाँ 9.3 में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें हम ये फाइंड करते थे, जिसमें हम रिजॉल्व करते थे वेक्टर की डायरेक्शन में। तो वो लंबा वाला तरीका है कि आप यहाँ पे वी लिखो, फिर आप ए लिखो, ए के साथ यू किया आपका -6, 8, अच्छा फिर बी से मल्टीप्लाई करो 9, -13, अच्छा आप क्या करो इस तरफ आई और जे कंपोनेंट में लाओ, इस तरफ आई और जे कंपोनेंट में लाओ, फिर इन दोनों के जो नंबर होंगे आई के साथ जो नंबर है दोनों तरफ उसको आप इक्वेट करो, जे के तरफ जो दोनों नंबर है उसको आपस में इक्वेट करो और ए और बी की वैल्यू फाइंड करो और फिर यहाँ पुट कर दो। तो ये है लंबा वाला तरीका। एमसीक्यूज़ में शॉर्ट तरीका ये भी होता है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो, पहले वाले को इग्नोर कर दो क्योंकि वो यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके चांसेस कम है कि वो राइट ऑप्शन हो। बी को चेक करो, बी को चेक किस तरह करोगे भाई, बी लिखा हुआ है वी इक्वल टू 3ω + 4U, वी इक्वल टू 3ω, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डब्ल्यू प्लस क्या है 4U, ठीक है। तो आप क्या करो वेरीफाई कर लो, वी क्या आपके पास है 3, -7, अब जो W है इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, W को 3 से मल्टीप्लाई करो 27 और जाएगा -39, फिर आपने U को, ये U है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा -24, ये हो जाएगा 32, 27 + -24 तो हो जाएगा 27 - 24 = 3, -39 + 32 - 7, तो आपको दिखने में लग रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है V को आप इस तरह लिखोगे, तो डायरेक्ट आपको यहीं से पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर इस तरह ना करना चाहो तो मैंने तरीका बता दिया, उस तरीके से करना उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। 8 में क्या लिखा हुआ है, एक वेक्टर है i + j + k, मतलब इस वेक्टर के जितने भी मतलब कंपोनेंट है, x कंपोनेंट भी 1 है, y कंपोनेंट भी 1 है, z कंपोनेंट भी 1 है, और करना क्या है इसका, ये वर्टिकल बार का मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, x² + y² + z², इत्तफाक से x + y मतलब x, y, z सब यहाँ पे 1 है,
तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 9 में लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू निकालनी है और आपको बोला हुआ है कि वेक्टर कैपिटल ए वेक्टर कैपिटल बी ये आपस में परपेंडिकुलर है। देखो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और कॉस 90 0 होता है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। तो सिंपल आप इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो, मतलब हाँ डॉट प्रोडक्ट निकालो वहीं से आपके पास, और डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 रखो, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो बी गिवन था 2aj-4k। अच्छा आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। अच्छा ध्यान से रहना यहाँ पे आई कंपोनेंट नहीं है, तो आप आई कंपोनेंट को अगर मैं स्टार्ट में लिखूँ इस तरह भी लिख सकता हूँ 0i, ठीक है। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट किस तरह निकालते हो, आई कंपोनेंट में जो लिखे हुए हैं 7 स्केलर उनको मल्टीप्लाई करते हो ना, 2 को 0 से करो 0 आएगा, कि डॉट प्रोडक्ट मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा ये j के साथ लिखा हुआ है -2 और यहाँ j के साथ लिखा हुआ है 2a, -2 को 2a से करो -4a, यहाँ 1 है, 1 को -4 से करो -4, ये आपके पास आया डॉट प्रोडक्ट। अब वेक्टर हैं परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 के बराबर होगा। -4 को आप उधर ले जाओ, ठीक है, और a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा।